प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज योगीराज राजा श्री श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो दोस्तों अभी ये है खुफिया सुरंग जो हमें सर दिखाने वाले हैं। ऐसे जी ऐसे जो सुरंगे हैं जो सीधी बाहर जाती थी हाँ अच्छा यहाँ से रास्ता जा रहा है। हाँ यहाँ से रास्ता जा रहा है और आगे तक थोड़ा आएंगे हम तो हमें थोड़ा आगे दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा। ओके चलिए एंट्री करते हैं। जैसे भी शत्रु सैन्य अंदर आ जाता था वो भागते थे ना उस वक्त बराबर ऊपर चढ़ने के लिए भागते भागते यहाँ से आते थे। अच्छा और आगे आप जैसे जा रहे हो जैसे जैसे आगे जा रहे हो वो डायरेक्टली खंडक में जाके पड़ते थे। अच्छा 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 23 जून 1660 को इस किले की घेराबंदी कर दी गई थी। एक तरफ थे सईस्ता खान जिनके पास थे 20,000 सैनिक और दूसरी तरफ थे इस किले के किलेदार फिरंगोजी नरसाला और उनके पास थे केवल 350 सैनिक। ये लड़ाई 54 डेज तक चली थी और फेमस हुई बैटल ऑफ चाकन के नाम से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इस किले का पूरा इतिहास। तो दोस्तों इसमें है मेरे साथ आज के समय के किलेदार फिरंगोजी नरसाला स्मारक प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष राहुल वाडेकर जी, अध्यक्ष किरण जी और समिति के सदस्य। तो अभी हम बात करेंगे राहुल वाडेकर जी से और समझेंगे इस किले का पूरा इतिहास। तो राहुल वाडेकर जी आप हमें बताइए इस किले के बारे में। सबसे पहले सबको नमस्कार और सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आज आप लोग इस किले संग्राम दुर्ग में जो आए हुए आप सब यात्रीगण और शिव प्रेमियों का हम यहाँ पे आपका स्वागत करते हैं। ये जो किला है ये किला अपने स्वराज्य की एक ऐसी गढ़ी थी कि यहाँ से जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर में स्वराज्य की स्थापना की उसके बाद उन्होंने एक एक किला लेना स्टार्ट किया। तो पहले ये जो किला था ये किला आदिलशाही में था और फिरंगोजी नरसाला इसके किलेदार थे। लेकिन जब उनको इस किले की ज़रूरत पड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य में तो उन्होंने किलेदार फिरंगोजी नरसाला उनके साथ मसलत की और उनसे कहा कि अगर आप स्वराज्य में जुड़ जाते हो तो स्वराज बलकट होने में यानी कि बलवान होने में बहुत मदद आएगी। तो जब स्वराज की ओर सब लोगों को आकर्षित हो रहे थे किलेदार फिरंगोजी नरसाला ने बिना लड़ाई किए किला स्वराज्य में शामिल कर लिया। स्वराज्य अच्छी तरह से बढ़ रहा था उस वक्त औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ते खान को स्वराज्य नेस्तनाबूद करने के लिए महाराष्ट्र भेजा। लेकिन महाराष्ट्र में उनको आने के बाद उन्होंने अपना पहला पड़ाव डाला पुणे में। पुणे में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बनाया हुआ लाल महल था यानी कि जो बचपन में छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन वहाँ पे गया तो वहाँ पे वो रुका और उसने वहाँ अय्याशी करना शुरू कर दिया। उसके बाद औरंगजेब से जब उसे विचारना हुई कि आप पुणे में गए हो यानी कि जो महाराष्ट्र में दक्खन में गए हो तो वहाँ पे क्या आप अय्याशी करने गए हो या वो स्वराज्य नष्ट करने गए हो? ओके तो उस वक्त शाइस्ते खान ने सोचा था कि ये जो चाकन है उसने चाकन के बारे में सुना तो था लेकिन उसे पता नहीं था चाकन। तो उसने सबसे कहा अरे यहाँ के आसपास कौन से किले हैं जिसे हम ले सकते हैं और तुरंत बादशाह के पास उसका ये बता सकते हैं कि हमने ये किया है करके। तो उसे कहा गया कि यहाँ से चाकन है नज़दीक एक 30 माइल के दूरी पर और वहाँ पे एक किला है जो ज़मीन पे है जाते जाते सहज ले सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो उसने समझ लिया पूरा चाकन का उसे बताया गया कि चाकन का किला छोटा है और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 300 मावला और एक किलेदार है जो भी बूढ़ा हो चुका है 70 साल की उम्र है उसकी। तो उसने ये सब जानकारी लेने के बाद चाकन आना सोचा। उसने कहा कि एक 2-3 में चाकन उड़ा देंगे। ओके और वो चाकन पहुंच गया। अभी चाकन में शाइस्ते खान आने के बाद चाकन में जो रण संग्राम इस किले के ऊपर हुआ तो हम वही जगह जाएंगे पूरे किले को देखेंगे। अभी पूरे किले को देखेंगे और फिर समझेंगे कि वो रण संग्राम कैसे हुआ। एक 300 लोग 20-25 हजार लोगों के साथ कैसे लड़े। ठीक है सर चलिए सर।
तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं इस पूरे किले को देखने के लिए। तो राहुल जी हमें पूरा ये रण संग्राम जो हुआ था वो भी पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए अभी जाते जाते मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो अभी आपको तो खड्डा लगेगा, लेकिन अभी एक्सकेविशन जो हुआ तो उसमें हमें जो मैप मिले थे उसके हिसाब से यहाँ पे हमने खुदाई करवा ली, तो उसमें दो वीर निकली है। अच्छा, दो कुएं निकले। उस कुएं का एक पानी था जो पीने के लिए पिया जाता था, और दूसरा जो कुआ है वहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं उसको इंडिकेट कीजिए। ओके, वहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो वहाँ पे 360 डिग्री में घूमने वाली एक तोप थी। अच्छा, जो उस तोप को बत्ती देने के बाद या वहाँ से जो बंदा आता था वो पानी में कूद ही लगाता था ताकि उसके कान ना फटे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। इतना अच्छा प्रयोजन यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। अच्छा, और ये अभी हम देख रहे हैं कि बोफोर्स हो या होविट्जर हो, ये जो तोपे अपनी चलती है उसको बत्ती देने के बाद उनको ईयर प्लग लगाया हुआ होता है सैनिकों के लिए, लेकिन उस वक्त तो वो इनोवेशन नहीं था, लेकिन पानी में जाने के बाद कान फटते नहीं है आवाज से, इसलिए ये एक प्रयोजन किया हुआ था। और अब हम जा रहे हैं अब हम ऊपर के तटबंदी के। अच्छा, ओके, आइए। अच्छा, शाइस्ता खान जब चाकन जीतने के लिए आए थे तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि ये चाकन का तो किला, ये किला थोड़ी है, ये थोड़ी इसको किला बोल सकते हैं, लेकिन ये उसकी समझ थी। ओके, ये उसकी समझ थी, क्योंकि जो दो दिन के लिए यहाँ पे आया था उसको यहाँ पे रोका गया तकरीबन 54 दिन। ओके, 54 डेज। यानी कि 23 जून 1660 को वो चाकन आया था, लेकिन वो जब चाकन आया था जून महीने में उसको चाकन का किला लेते हुए अगस्त आ गया, तब तक तो वो किला ले नहीं पाया। तो उसकी समझ में आया कि अगर ये जमीन का किला मुझे लेने में 54 दिन लगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कम से कम 350 किले हैं, मेरी पूरी हयात निकल गई तो भी मैं ये किला नहीं जीत पाऊंगा, किला नहीं, स्वराज्य को निस्तनाभूत नहीं कर पाऊंगा। राइट। तो ये जो समझ थी उसकी, वो चाकन के किले ने उसकी पूरी अकड़ निकाल ली। किला उसके हाथ आया, लेकिन ये किला हाथ आते आते उसको ये सबक दे गया कि उसको दक्खन पे राज करना या दक्खन खत्म करना ये उसके बस की बात नहीं है। फिर इतिहास गवाह है, फिर खुद औरंगजेब को दक्खन आना पड़ा और यहीं पे खत्म होना पड़ा। अच्छा, यानी कि दक्खन में पूरा दक्खन खत्म करने के लिए औरंगजेब खुद आया और दक्खन में ही दफन हो गया। ओके, राइट। तो राहुल जी आप मुझे बताइए, जब सिस्ता खाना यहाँ पे आक्रमण किया उस समय उनके पास थे 25,000 सैनिक तो यहाँ पे, और अपने इस किले के अंदर थे ओनली 350 सैनिक, तो उन्होंने कैसे फाइट की, कैसे उन्होंने इस पूरी लड़ाई को 2 महीने तक रन किया? सर जी, अभी जो आपने ये सवाल पूछा है तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि आज जो भी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, गनीमी कावा जिसे बोलते हैं, यानी कि गुरिला वार, कम से कम सैनिकों ने ज्यादा से ज्यादा सैनिकों के साथ कैसे लड़ना है, इसका एक अनोखा एक तकनीक छत्रपति शिवाजी महाराज ने खोज के निकाला था, यानी कि एक मराठा लाख मराठा के बराबर है। राइट। अभी जो गूंज रहा है हर जगह पे एक मराठा लाख मराठा, तो ये एक मराठा लाख मराठा ऐसा नहीं है, वो लड़ने की ताकत रखता था। वो लड़ने की ताकत ऐसी थी कि जो लड़ने की ताकत, यानी कि 20,000 सैन्य जो था उन्होंने पूरे किले को घेराव करके रखा था, 20-25,000 सैनिक, और उसमें खुद शाइस्ता खान मौजूद था। लेकिन इस किले के अंदर जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले उनके स्वराज्य में लिए थे, यानी कि लिए थे बोल रहा हूँ, कुछ तो उन्होंने खुद बांधे, लेकिन जो किले पहले से ही थे, वो जो उन्होंने स्वराज निर्मित में किले में लिए थे, तो उस वक्त
उन्होंने उस किलों की कुछ रचनाएं ऐसी बनाई थी जो लड़ने के लिए काम आए। उसमें यहाँ पे कुछ सुरंग है। अच्छा, हम दिखाएंगे अभी सुरंग देखेंगे। और ये क्या था, ये आप मेरे को ऊपर तक लेके आए थे? आपने देखा होगा कि सबके पास, यानी कि अंग्रेज हो, पुर्तगीज हो, डच हो या यवन हो, उनके पास जो तोहफे थी वो बड़े बड़े साइज की तोहफे थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का लड़ाई की ओर देखने का एक अलग नजरिया था। जिस चीज में उन्हें सहजता लगती थी उन चीजों का वो लड़ाई में उपयोग करते थे। तो यहाँ पे एक छोटी ऐसी तोप थी जो पूरी तरफ घूमती थी। अच्छा, यानी कि उसका लोकेशन वो चाहे उस तरफ कर सकते, किसी भी तरफ कर सकते। यानी कि अगर आप इस तरफ देखेंगे जो बिल्डिंगे बनी है तो उस तरफ पुणे। अच्छा, और शाइस्ते खान उसी तरफ से आए थे। ओके, लेकिन उसका ये जो आना था ये सब इसके कवर में आता था। जो भी इतिहास के जानकार यहाँ पे आए थे, जो नीचे आपने तोप देखी है ओटे पे लगाई हुई, तो उसका अगर बम्बरिंग किया जाए तो कम से कम वो 5 माइल तक जाता। 5 माइल तक जाते थे। ओके, यानी कि अब अपन ने चला के तो नहीं देखी, लेकिन जो भी उसका साइज है, जिस तरह से उसके बना हुए, तो उस तरफ से वो समझ में आता है। ठीक है, तो अभी हमें थोड़ा आगे लेके चलिए। इस किले का जो आप सुरंग दिखाने वाले थे वो हमें दिखाइए। अभी हम जाते जाते यहाँ पे आई गए, तो इसे अगर आप देखोगे तो इसको जंग्या बोलते हैं। यानी कि यहाँ से आप तोहफा, यानी कि जो बंदूकें थी, बंदूकें थी उनकी तरफ से आप नीचे से निशाना लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो हाँ, ये सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए थे। मतलब आप किसी को मार सकते हो लेकिन कोई आपको मार नहीं सकता। मार नहीं सकता, यानी कि हम इसको बंकर बोल सकते, बंकर बोल, यस उसी तरीके से बात कर सकते, उस तरह से इसकी बात कर सकते। यानी कि ये जो अभी बना हुआ है ये हालांकि बाद में बना हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब यहाँ पे ये होता था, यानी कि अमल होता था, तब ये नहीं था, लेकिन ये बाद में बनाया हुआ है जिसका वीट वगैरह लगा हुआ है। तो ये 1818 के बाद, यानी कि अंग्रेजों ने जब किला ले लिया तो उस हिसाब से उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन किया। हाँ, तो उसमें ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। किले की लड़ने की जो क्षमता थी वो क्षमता खुद, यानी कि किले का इतिहास बताती है कि जो लड़ा हुआ होता है उसके शरीर पे तो जख्म दिखने ही दिखने, और वो जख्म अब हम स्वराज, यानी कि वहाँ का जो था 16वीं सदी और अब 19वीं सदी में जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उसके बाद फिर से इस किले का जतन, जपनुक और संवर्धन, ये जो बोलते वो काम शुरू होने तक, यानी कि उसको बोलेंगे 1999 में हमने काम स्टार्ट किया। हाँ, तो अभी यहाँ पे जतन, जपनुक और संवर्धन का काम चल रहा है। लेकिन हम फिर से आएंगे कि ये किला 20,000 लोगों को लड़ा गया कैसे। ओके, तो राहुल जी अभी वो सुरंग दिखाइए हमें, आप जो बताने अभी हम जो सुरंग के पास जा रहे हैं तो उसमें से ये सुरंग जो जाती थी सीधा बाहर तक जाती थी, यानी कि ये खुफिया रास्ते जो होते थे गोरिल्लावार में। अच्छा, तो यानी कि आपने पूछा था कि कैसे बाहर जाते थे और कैसे आते थे, क्योंकि अगर बड़े रास्ते से बाहर जाते तो उनका सैन्य भी अंदर आ सकता। करेक्ट, लेकिन जब तक किसी को किसी रास्ते का पता नहीं होता तब तक वो अनभिन्न होता है हर चीज से। राइट, तो मराठे बाहर आते कैसे है, हमारे पास लड़ाई करके वापस कैसे किले के अंदर चले जाते हैं, ये शाइस्ता खान को पता नहीं, आखिर तक पता नहीं चला। फिर उसने किया क्या, तो उसने किया 54वें दिन उसने पूरा है ना खुद नीचे से एक सुरंग बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जैसे हमने देखा है पांडवों का जो लक्ष्यगृह हुआ था, यानी कि सुरंग के साथ पांडवों को ये करके बत्ती दिया गया था, वैसे ही शाइस्ता खान ने एक जो बुरुंज है उसको 54वें दिन यानी पूरा बुरुंज उड़ा दिया। अच्छा, तो उस वजह से शाइस्ता खान का सैन्य किले के अंदर पहुंच पाया, नहीं तो वो 54 दिन तक किले के अंदर आ भी नहीं पाया था। और वो जो सुरंगे है और या खुफिया रास्ते है, वो ऐसे रास्ते। हाँ, तो हम जरा एक बार देखते हैं उसको सुरंग को। तो दोस्तों अभी ये है खुफिया सुरंग जो हमें सर दिखाने वाले हैं। ऐसे जो सुरंगे हैं जो सीधी बाहर जाती थी। हाँ, अच्छा, ये यहाँ से रास्ता जा रहा है। हाँ, यहाँ से रास्ता जा रहा है और आगे तक थोड़ा आएंगे हम। हाँ, तो हमें थोड़ा आगे दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ओके, चलिए एंट्री करते हैं।
रास्ता तो है इसका, एक मिनट देखें यहाँ से ऑन होता है क्या। यस हो गया। यहाँ से जो है अभी बहुत सालों से इसके यूज अंदर, नहीं किया, हाँ यूज नहीं हुआ है। हाँ। और आगे जाके उसका थोड़ा सा रिस्टोरेशन वगैरह उसमें अगर कुछ खत्म हो गया हो, यानी कि सांप वगैरह होने के डर से अंदर कोई अंदर कोई जाता नहीं अभी। हाँ उतरा नहीं है कोई। ओके। लेकिन ऐसी जो रास्ते थे बनाए हुए हुए, उन रास्तों से बाहर निकलते थे सोल्जर्स और पूरी गोरिल्ला वार करके फिर से किले के अंदर आ जाते थे। यानी कि ये जो रण संग्राम की नीति है, ये रण संग्राम की नीति शाइस्ता खान को यहाँ पे रोकने के लिए काफी थी। अच्छा। यानी कि शाइस्ता को पता ही नहीं चला अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और जब उसे पता चला तब तक तो 2 महीना आराम से निकल चुके थे। और फिर उसने सोचा अगर मेरा चाकन का ये जो किला है जमीन के ऊपर अगर ये लेने में 2 महीना लगता है तो पूरे 350 किले लेने में मुझे कितना समय लगेगा। राइट, तो ये लड़ रहा है, यानी कि स्वराज जो था वो लड़ते लड़ते बनाए, यानी आराम से नहीं बनाए, आराम से नहीं बनाए, आराम से नहीं बनाए। और यहाँ के जो भी आप लोग देखोगे तो इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लड़वाई है, फाइटर है। जिस तरह से हम फाइट कर रहे हैं, जिस तरह से हमने अपने छाती के ऊपर ये सब कुछ लिया हुआ है, तो ये ऐसे ही नहीं बनाए। छत्रपति शिवाजी महाराज रग रग में जो बसे हुए है वो उस वजह से बसे। राइट। क्योंकि अस्तित्व रहना ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि जिनको समझ में आए उनके समझ में आ जाता है। अगर किसी का अस्तित्व ही नहीं रहा तो आगे का क्या रहेगा। सही बात। लेकिन अस्तित्व रहना ये बहुत बड़ी बात थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ के हर बंदे को सिखाई। ये लड़ते लड़ते ऐसे ही नहीं हुआ कि 300 लोग 20-25 हज़ार लोगों के साथ कैसे लड़े। राइट। वो लड़े है, यानी कि अगर कोई पूछे कि अरे कैसे लड़े, वो लड़े हैं इन साधनों के साथ, हैं। ये टेक्निक्स यूज की गई है उस समय, पूरी टूल्स टेक्निक्स यूज की गई है। अब मैं आपको है ना एक जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे रन मंडल बोलते हो। अच्छा। हाँ ये तो जो वो देखते हैं फिर अभी। हाँ वो जो टेक्निक है खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनोवेट की हुई टेक्निक है। हाँ वहाँ पे लेके जाओ। वंडरफुल। तो चलते हैं सर वहाँ पे अभी। चलिए सांप की कौंचली। हाँ दोस्तों ये भी देख लीजिए क्योंकि थोड़ा डर रहता है यहाँ पे सांप की। इसे आप कौंचली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चुली? यहाँ पे काद बोलते हैं। काद बोलते हैं, सांप की काद है ये। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्नेक हो सकते हैं एंट्री में ही। तो चलिए सर यहाँ से निकलते हैं फिलहाल। ओके। चलिए जिस किले के ऊपर घूम रहे हैं अभी तटबंदी के ऊपर, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किलेदार था जिसकी उम्र 70 साल थी, जो तजुर्बे के साथ लड़ रहा था या अपनी ताकत के साथ लड़ रहा था, तो वो दोनों के साथ लड़ रहा दोनों के साथ लड़ रहा। क्योंकि 70 साल का उस वक्त जो बंदा था उसको उस वक्त भी जवान कहा जाता था। हाँ अभी हम बूढ़े हो चुके हैं। अब 20 साल का बंदा अगर 25 में चला जाए तो वो बोलता है कि यार थक गया मैं। 70 साल का बूढ़ा नहीं थका था उस वक्त। सही बात है। तो ये इसमें आ जाता है। ओके। तो सर अभी हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम जो नेक्स्ट गोरिल्ला वार के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो एक ऐसा ये स्थान बनाया था रण मंडल बोलते हैं उसको, वो देखने चल रहे हैं। वो देखने के लिए चल रहे हैं। चलिए
अभी चलते चलते एक बात बता दूं, अभी जिस जमीन से हम जा रहे हैं, यानी कि आपने तो ऊपर की तरफ से किला देख लिया, लेकिन अभी बीच में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ यानी कि खोजकर्ता आए थे। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ स्ट्रेंच लिए, तो जमीन के नीचे उनका कहना है कि 7 मीटर किला हो सकता है और। अच्छा अच्छा, यानी कि 21 फुट जमीन के नीचे और किला हो सकता है। हाँ, यानी कि उसके साइन मिले हैं उनको, साइन मिले। हाँ, एक 4-5 स्ट्रेंच लिए थे उन्होंने, तो उसको उनके हिसाब से जो मिलना चाहिए था ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्हें नीचे मिली है। अच्छा। हाँ, कोविड के बाद काम स्टार्ट बंद हुआ, लेकिन अब फिर से अगर स्टार्ट होगा तो पहले पूरी खोज पूरी करेंगे और फिर से काम स्टार्ट होगा। बोलो, मी सगळ्यांना बोलवले। आपको ऐसा यहाँ लगेगा जमीन पे हो, लेकिन किसी खिंड में हो ऐसा लगेगा। अच्छा, खिंड में ही लग रहा है ना अभी आपको? हाँ, यानी कि मैं जमीन पे हुआ ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं है? नहीं, जमीन पे। हाँ, आइए अंदर, तो अंदर चलते हैं। हाँ, जैसे भी शत्रु सैन्य अंदर आ जाता था वो भागते थे ना उस वक्त, बराबर ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ, भागते भागते यहाँ से आते थे। अच्छा, और आगे आप जैसे जा रहे हो, जैसे जैसे आगे जा रहे हो, हाँ, वो डायरेक्टली खंडक में जाके पड़ते थे। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि यहाँ से जो नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से तीनों तरफ से आपको बुरुंज है। अच्छा, यानी कि आप यहाँ पे क्या हो गए? कैद हो गए, हम मर जाएंगे, ऊपर से अटैक हो जाएगा। ऊपर से अटैक हो गया, यानी कि गोरिल्ला वार कितना अच्छा लड़ा जा सकता है? बहुत अच्छा लड़ा जा सकता है। हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक उंबर खिंड की लड़ाई जो बहुत फेमस है, उंबर खिंड की लड़ाई में एक भी सैन्य का ये ना होते हुए, यानी कि जो एक भी धारा तीर्थी ना पड़ा, लेकिन पूरी लड़ाई हमने जीत ली थी वो उंबर खिंड की लड़ाई। लेकिन वैसा ही एक खिंड यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। आप बाहर से आ रहे थे, आपको लगा ऐसा कि अंदर ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं लगा। मेरे को लगा कि मैं अंदर के लिए के अंदर ही ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ऊपर की तरफ जा रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या हो गया? कैद हो गया, लॉक हो गए। उधर जाओगे तो क्या है? पानी है, पानी है। इधर से बाहर नहीं पर से बाहर नहीं जा सकते, राइट। यहाँ से ऊपर चढ़ नहीं सकते, बहुत हाइट है, ये काफी हाइट है, इतना तो कोई चढ़ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। और आपको वक्त दिया तो चढ़ सकते हो, लेकिन आपको वक्त कहाँ देना है? आप यहाँ पे आए तो आपको वक्त कहाँ देना है, राइट? आपको वक्त दिया ही नहीं है कि आप कुछ हलचल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो है आपको लॉक ही होना है। तो इस तरीके से हम उस लड़ाई को लगभग जीत पाए, और 52 डेज तक यानी कि ये फाइट करते हैं अपने पास। ये अपनी टेक्निक्स थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ना अपने कंधे के हिसाब से, आपके मनगट के हिसाब से, और आपके सब जो कुछ आपके साथ सोल्जर से उनके हिसाब से लड़े, ऐसे नहीं। यहाँ का हर चप्पा चप्पा लड़ा है, राइट। यानी कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको किसी को बहुत बढ़िया होना है, मुझे बहुत पसंद आया। अरे, ये रणमंडल है, रणमंडल उसका नाम भी दिया है, रणमंडल। हाँ, फैंटास्टिक, ये रणमंडल है। तो सर, अभी इसको देखने के बाद अभी हम किस तरफ जाएंगे आगे? अभी तो किले का लगभग आपका जो सवाल था, हाँ, वो पूरा हो गया, कि पूरा हो गया, पूरा हो गया कि हम 350 सैनिकों के साथ हमने 25,000 सैनिकों के साथ कैसे फाइट करी, कितने दिन, कितने 54 डेज तक कैसे लड़ाई करी, कैसे लड़ाई की। यानी कि एक तो अब इतिहास इतना जानना लोगों की ये नहीं है, यानी कि डीप टू डीप वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन कम से कम लोगों को पता चले कि हमारे उन पहले दिन से 54 दिनों के बीच में क्या था जिसके साथ हम लड़े। फैंटास्टिक। और वो जो इक्विपमेंट से वो डेवलप की हुई इक्विपमेंट से ऐसे ही मिला है और उसको यूज किया है, ऐसा नहीं था, राइट। खुद के वेपन्स खुद तैयार किए हुए है, राइट। तो सर, फिर चलते हैं अभी आप मेन किले के तोफ के पास, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, जहाँ से स्टार्ट और किया हम था। इस वीडियो को और यहाँ से ही आप जहाँ से बाहर आए थे वहां से एक दरवाजा है, और फिर यहाँ से नीचे से एक दरवाजा था जो मुख्य प्रवेश द्वार था, लेकिन वो बाहर है। ओके। और वहां से भी अगर अंदर आने की कोशिश करे तो खंडक में जाएगा, राइट। यानी कि इतना सहज नहीं था
कि आप इन चीज़ों को देखे तो आपको पता चलेगा, अरे मैं किसी को लगेगा अरे ये तो देख रहा, देखने के लिए हमने देखा, स्टार्ट किया तो एक सिर्फ ऐसे दीवारें दिख रही थी, हम तो सिर्फ बीच में एक थोड़ा सा मैदान देख रहे थे, क्या है ये? कुछ नहीं है, राइट, क्या है ये? हाँ, उनको अवेयरनेस ही नहीं ना एक्चुअली ये, हाँ, ये क्या तो है, ये जो चीज़ है जो लड़ा हुआ होता है उसके घाव दिखाई देते हैं। सही बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, जो लड़ा होता है उसके घाव दिखाई देते हैं। आपने घाव महाराणा प्रताप के देखे होंगे, राणा प्रताप के देखे होंगे, आपने घाव छत्रपति शिवाजी महाराज के देखे, ऐसे ही घाव इन किलों ने अपने ऊपर लिए, हाँ, जो कि अपनी धरोहर है, अमेजिंग। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा नहीं थे, सही बात है, उन्होंने डेवलप किया, बनाया उसको, वो ये स्वराज्य बनाया हुआ स्वराज्य है, अपने लोगों के लिए बनाया हुआ स्वराज्य है, तो उसकी अहमियत हम लोगों को बहुत है, आप लोगों को भी होनी चाहिए 100%। और जो भी बंदा यहाँ पे हर गढ़ किले के ऊपर जाता है उसने ये सोचना चाहिए कि मैं अगर गढ़ किले पे आया हूँ तो मैं यहाँ का किलेदारी करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ नुकसान करके नहीं जाऊंगा। तो सर फिर अभी चलते हैं बाहर की तरफ। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज योगीराज राजा श्री श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। राहुल जी, एक्चुअली चाकन फोर्ट मेरे लिए हमेशा एक अट्रैक्शन का केंद्र रहा है, क्योंकि बैटल ऑफ चाकन में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था और इसको समझना चाहता था, लेकिन आज मुझे मौका मिला और आपने मुझे ये सब समझाया, दिखाया, पूरा फोर्ट दिखाया। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। आप भी यहाँ पे आए, हमें अच्छा लगा, ऐसे ही सब जो अपने स्वराज्य के प्रति देश के प्रति निष्ठा रखते हैं ऐसे हर बंदे का यहाँ पे स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।